ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राशि का सच जो आपसे छुपाया गया है, आज हम उस पर बात करेंगे। ये सच जानने के बाद शायद आपकी कई सारी परेशानियों को आपका हल मिल सकता है। कई सारे जातकों की कुंडली में मंगल दोष होता है, कई सारे जातकों के कुंडली में चांडाल योग होता है, कई सारे जातकों के कुंडली में ग्रहण योग होता है, आंशिक मंगल होता है, कई सारे हमारी कुंडली में नेगेटिव योग होते हैं, तो उस वजह से हमारे जीवन में कई सारी परेशानी आती है। देखिए, परेशानी किस तरह से आती है, शादी का नहीं चल पाना, दाम्पत्य जीवन खराब होना, माता पिता का स्वास्थ्य हानि होना, व्यापार सही तरीके से स्टेबल नहीं हो पाना, बार बार धोखे मिलते रहना, इसके अलावा घर नहीं बन पाना, जीवन में परेशानियाँ एक के बाद एक परेशानियाँ खत्म होना ही नहीं, लोग जिन पर हम यकीन करते वो धोखा दे जाना, ये जितनी सारी मैंने बातें बताई, अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो कुछ बातें, कुछ तरीके और ये जो रहस्य आप जान लें, जिससे कि आपकी ये जो परेशानियाँ हैं ये आपको भविष्य में ना आए और आप बहुत दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में एक स्थिरता आए उसकी ओर हम जा पाएँ। मुझे नहीं पता कि आपकी राशि, आपकी जन्म तारीख क्या है, जन्म समय क्या है, और कई बार लोगों को नहीं पता होता है। फिर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज मैं कुछ बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, इनको आप समझें और समझने के बाद इनको अपने जीवन में फॉलो करें। इससे ये जितने सारे नेगेटिव योग्स हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ, इनका अंत हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी आपका मन हो वो ज़रूर नाम आप लिखें। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे बेसिक्स जो बात है, कई सारे नेगेटिव योग होने की वजह से हम परेशानी में फंसते जाते हैं। अब 9 के 9 ग्रहों का मूवमेंट हमेशा चलायमान होता है, आप कभी भी यह रुकते नहीं हैं, और 9 के 9 ग्रहों के जो मुख्य गुरु हैं वो है शिव। इसलिए अगर आप शिव की शरण में जाएंगे, अब शिव की शरण में जाने से ये मतलब नहीं कि आप मंदिर चले गए, शिव की शरण चले गए, कुछ बातें हैं जिन्हें आपको बहुत गंभीरता से समझना होगा। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो 9 के 9 जो ग्रह है आपका बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे कितने भी नेगेटिव योग आपकी कुंडली में क्यों ना हो, वो आपको अच्छा परिणाम बेशक नहीं देंगे लेकिन बुरा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे वो, क्योंकि शिव जो है और हनुमान जी महाराज हैं, शिव जी के अवतार हैं हनुमान जी महाराज, तो दोनों की जो भी इष्ट हैं जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी किसी भी ग्रह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेरा निजी अनुभव भी है, बहुत सारे लोगों ने इसे अनुभव किया है, कितने घातक नेगेटिव योग होने के बाद भी वो आशा कुशल है और बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सब चीज़ें सही होगी।